बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल तनु किचन है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ता ग्रेवी रेसिपी। उसके लिए हमने ले लिया है 500 ग्राम खीमा, प्याज बड़ी डेली स्लाइस की, आधी कटोरी खसखस, एक कटोरी खोपरा, एक कटोरी फली, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 कटोरी दही ले लीजिए, टेस्टिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 कटोरी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्ची। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेवी की रेसिपी थी। इंग्रेडिएंट्स, अभी खीमे में मिलाने के इंग्रेडिएंट्स हैं 2 मुट्ठी फूले चनों की दाल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए, 1 चम्मच इलायची का पाउडर ले लीजिए, 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 मुट्ठी हरा धनिया। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मसाले हम लोग भून लिए थे पीसलिंग में। खीमे को थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। खीमे ग्राइंड कर लिया हम लोगों ने, ये सब इंग्रेडिएंट्स मिला लीजिए। चनों की दाल का आटा है, ये प्याज का पेस्ट, ये हरे मसाले का पेस्ट, इलायची पाउडर, थोड़ी सी डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए, हाथ से अच्छे से मिक्स कीजिए। अपना हाथ धो लिए अच्छे साफ। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है खीमे को। अब ज़रा ज़रा ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए हमारा खीमा रेडी हो गया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। एक पैन ले लीजिए, उसमें ये मसाले डाल लीजिए। अब इसमें प्याज डाल लीजिए, प्याज का पेस्ट, दही डाल लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, मिर्ची पाउडर डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, धनिया पाउडर डाल लीजिए, जीरा पाउडर डाल लीजिए और अब गरम मसाला पाउडर डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पूरे मसालों को। चार से पाँच चम्मच तेल डाल लीजिए, अब हम कोफ्ते बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, एक कटोरी में पानी ले लीजिए और ये कोफ्तों का मसाला, ऐसे बना लीजिए कोफ्ते। देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। अब इसको चूल्हे पे 10 या 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दीजिए। कोफ्ते तल के भी डाल सकते हैं, कच्चे भी डाल सकते हैं, हमने कच्चे डाल दिए। ये देखिए हमारे कोफ्तों का सालन रेडी है। अब इसमें टेस्टिंग पाउडर डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। हम लोगों को थोड़ा कम दिखा इसलिए डाल लिया। हम लोग हरा धनिया डाल लीजिए, हरी मिर्ची भी डाल लीजिए,
से मिक्स कीजिए इसे। माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए हमारा कोफ्तों की ग्रेवी रेडी हो गई है, तेल भी छूट गया है, अब हम प्लेटिंग करेंगे। माशाल्लाह प्लेटिंग कर लेंगे अब। माशाल्लाह ये देखिए हमारा कोफ्तों का ग्रेवी रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है ये देखिए। माशाल्लाह ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।